नमस्कार। लोकसभा टेलीविजन के इस कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। विशेष में आज बात उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत अपने तकदीर को बदलने की कोशिश की और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। उनके इस सपने को साकार करने के लिए मेघालय कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक और नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उन्हें सहयोग दिया। तो आइए आपको भी रूबरू कराते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत और संस्थाओं के सहयोग से अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की कोशिश की है। मेघालय यानी मेघ का घर, बादलों का घर। हमारे देश के उत्तर पूर्व में हिमालय की गोद में बसा है छोटा सा मेघालय। मेघालय का क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ करीब 21 लाख की आबादी बसती है। इसके उत्तर में है असम, जिसके बीचों बीच बहती है ब्रह्मपुत्र, और मेघालय के दक्षिण में है बांग्लादेश। मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा था, जिसे 21 जनवरी 1972 को विभाजित कर एक नया प्रांत बनाया गया। इस राज्य की जनजातीय आबादी कुल आबादी का लगभग 85% है। खासी और गारो जनजातियां सबसे बड़ी हैं। यहां करीब 50% खासी जनजाति के लोग हैं। इसके बाद नंबर आता है गारो जनजाति का, जिनकी जनसंख्या 1/3 है। मेघालय का मतलब है बादलों का घर, प्राकृतिक सौंदर्य का एक बेहद खूबसूरत नमूना। हम अपने कार्यक्रम विशेष के छायांकन के लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग से सटे कुछ गांव में गए और वहां के लोगों से बातचीत की। दूर दराज के इस गांव में आधुनिक जीवन की सुविधाएं पहुंचने में जरा देर लगती है, इसीलिए आर्थिक मोर्चे पर लोगों को रोजाना मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों से पेट नहीं पलता। यहाँ के गांवों में घूमते फिरते कई लोग मिल जाएंगे जो थोड़ी समझबूझ और परिश्रम से नई राहें तलाश रहे हैं। यहाँ लोग कैसे बदलते दौर में अपनी जीवन शैली को बरकरार रख पा रहे हैं, कैसे जीने का जरिया खोज रहे हैं, इसी के बारे में यहाँ के लोगों से चर्चा हुई। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं उन लोगों के पास और जानते हैं कि कैसे हुए उनके सपने सच। मेघालय